अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बड़ी खबर के साथ न्यूज़ी बाबा हाजिर है। खबर की तफसील जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। दोस्तों, भारत लगातार पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए और भारत के लिए एक और दुश्मन पैदा हो गया है। इससे पहले भारत पर पाकिस्तान, तालिबान और चीन का डर था, लेकिन भारत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से अब नॉर्थ कोरिया भी भारत का दुश्मन बन चुका है। पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया काफी अरसे से टीपू और तैमूर जैसे मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज के मिसाइल मौजूद हैं। अगर नॉर्थ कोरिया इन प्रोजेक्ट में पाकिस्तान की मदद करता है तो पाकिस्तान बहुत जल्द इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये मिसाइल सिस्टम तैयार कर लेगा। तो आइए सुनते हैं इंडियन मीडिया की चीखो पुकार, किस तरह वो अहो बका कर रहे हैं। परमाणु हथियारों को लेकर लिए गए भयंकर फैसले। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने उत्तर कोरिया को मना लिया है। इसके लिए पाकिस्तान ने उत्तर कोरिया को परमाणु टेक्नोलॉजी देने की बात याद दिलाई है। अब दोनों देश एक हो गए हैं और दोनों ने मिलकर जो कांड किया है वो भारत के लिए बड़ा खतरा है। दोनों ने परमाणु हथियारों को लेकर गैर जिम्मेदारी भरा काम करना शुरू कर दिया है। खुलासा हुआ है कि हाल ही में पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने एक ही समय फ्रेम में अपने अपने देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास थर्मल पावर प्लांट लगाए हैं। दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिवेट किए हैं, एक नॉर्थ कोरिया में और दूसरा पाकिस्तान है। लेकिन दोनों का एक ही समय प्लांट किया जाना और एक ही समय एक्टिवेट किया जाना, क्या ये महज एक संयोग है? बिल्कुल नहीं। खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान एक 500 मेगावाट का न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कर रहा है जिसका नाम खुशाब परमाणु संयंत्र है, और पाकिस्तान का कहना है कि वो इस परमाणु संयंत्र के जरिए अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करना चाहता है। लेकिन खुलासा हुआ है कि खुशाब में अन्य लॉजिस्टिक का काम भी चल रहा है जो बहुत बड़े शक और साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान से पकड़ी गई चाल, भारत के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र आया सामने। जिस समय पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बिजली संयंत्र का काम शुरू किया है, ठीक उसी समय नॉर्थ कोरिया ने भी 2 सालों के बाद योंगबियोन परमाणु संयंत्र में कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र का संचालन शुरू किया है। इसके जरिए नॉर्थ कोरिया खर्च किए गए ईंधन की छड़ के पुनः प्रसंस्करण से प्लूटोनियम निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इनसे बिजली बनाने का काम दिखाना इन दोनों की चाल है। खुलासा हुआ है कि यहाँ पर भारत के खिलाफ यूज करने के लिए परमाणु हथियार डेवलप किए जा रहे हैं। इसका एक और प्रमाण हम आपको दे रहे हैं। इसी साल जून में खबर आई थी कि नॉर्थ कोरिया की 1718 जहाजों ने पिछले 3 सालों के दौरान कई देशों की रहस्यमयी यात्राएं की हैं, और शक है कि नॉर्थ कोरियाई जहाज पाकिस्तान तक भी पहुंचा है। और सबसे बड़ी शक की बात यह है कि कहीं नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की तकनीक और परमाणु बम बनाने की मॉडर्न तकनीक में मदद तो नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों देशों के परमाणु संयंत्रों ने एक साथ काम करना शुरू किया है जिसके बाद गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ये शक उस वक्त और पुख्ता हो जाता है जब पिछले साल गुजरात के कांडला बंदरगाह पर एक चीनी जहाज की जांच के दौरान जहाज के अंदर से ऑटोक्लेव को बरामद किया गया था। ऑटोक्लेव का इस्तेमाल परमाणु मिसाइलों की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। खुलासा हुआ था कि चीन का जहाज चोरी से ऑटोक्लेव पाकिस्तान पहुंचाने की फिराक में था, लेकिन भारत को इसकी भनक लग गई। भारत के खिलाफ पहली बार सामने आया तानाशाह। पाकिस्तान चीन के बाद एक और नया संकट। ये पहली बार ही हुआ है कि उत्तर कोरिया भारत के खिलाफ इतना बड़ा कांड करने वाला है। परमाणु हथियारों की जहां तक बात थी, अभी तक भारत को केवल पाकिस्तान को ही खतरा था और पाकिस्तान को परमाणु हथियार भेज रहा है चीन। चीन कई बार पाकिस्तान को काराकोरम हाईवे के जरिए पाकिस्तान तक परमाणु हथियार बनाने की सामग्री भेजता रहा है। एक जर्मन रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत को टारगेट बनाकर चीन और पाकिस्तान मिलकर तबाही फैलाने वाले न्यूक्लियर हथियारों का तेजी से निर्माण कर रहे हैं।